हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड कॉमेडी मूवी को जिसका नाम है द हॉट चिक, और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में जो है 5.5 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है एक महल में जश्न का माहौल है। महल में हमें एक राजकुमारी दिखाई जाती है जो अपनी अरेंज मैरिज शादी से बचने के लिए जादू ईयरिंग्स का इस्तेमाल करती है। वो एक ईयरिंग खुद पहनती है और दूसरी ईयरिंग अपनी गुलाम को पहनाती है। फिर उनके शरीर की जादुई रूप से अदला बदली हो जाती है, लेकिन उनका दिमाग अपनी जगह पर रहता है। अगले सीन में हम एक सिटी में जेसिका नाम की लड़की को देखते हैं जो बहुत ही सुंदर होती है। जेसिका की क्लोज फ्रेंड अप्रैल, कीसिया और लुलू हैं। अप्रैल जेसिका की बेस्ट फ्रेंड है। ये चारों फ्रेंड चेयर लीडर होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जेसिका एक मोटी लड़की हेल्डनबर्ग का मजाक उड़ाती है। जेसिका का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम बिली है। वो उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है और उसे कहता है जब वो उसे किस करती है तब उसका सांप खड़ा होने लगता है। लेकिन जेसिका उससे कहती है वो अपने घपाघप को स्पेशल मोमेंट बनाना चाहती है और वो इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहती। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर एक शॉपिंग मॉल में जाती है और वहाँ वो अपनी कंपटीटर बियांका के बैग में एक चुपके से एक ब्रा डाल देती है और सिक्योरिटी बियांका को पकड़ लेती है। इसके बाद वो एक अफ्रीकी थीम वाले स्टोर में जाते हैं जहाँ पर उसे एक खूबसूरत इयररिंग पसंद आती है, लेकिन स्टोर ओनर उससे कहती है ये इयररिंग बेचने के लिए नहीं है। फिर जेसिका उन्हें चुरा लेती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं क्लॉय नाम का एक बंदा गैस स्टेशन को लूट लेता है। वो ऐसे ही एक छोटा क्रिमिनल होता है। उस गैस स्टेशन के ओनर के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वो वहाँ से सामान चुराने लगता है। जब जेसिका और उसके फ्रेंड वहाँ पर आते हैं तब उस बंदे को वहाँ पर काम करने वाला समझ लेते हैं। फिर वो बंदा सोचता है इन लड़कियों को शक ना हो, इसलिए वो उनकी कार में पेट्रोल वगैरह डालने लगता है। वो सारे फ्रेंड्स मिलकर उस बंदे को काफ़ी परेशान करते हैं। फिर जाते टाइम जेसिका से गलती से एक इयररिंग वहीं पर गिर जाती है। फिर वो बंदा उस इयररिंग को उठा लेता है। फिर वो बंदा घर पहुंचकर उस इयररिंग को पहन लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं जब जेसिका अपने बिस्तर से उठती है तब वो पूरी तरह से क्लॉय की बॉडी में बदल चुकी है। उसके बूब्स और प्राइवेट पार्ट्स बदल चुके हैं। उसे लगता है ये बस एक ड्रीम है। और दूसरी तरफ क्लॉय जब सोकर उठता है तब उसकी भी बल्ली वहाँ से गायब थी और उस जगह पर एक लकीर बन गई थी। इसके बाद जेसिका अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बुलाती है। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी फ्रेंड जेसिका बोल रही है। अप्रैल जब उसके पास जाती है तब उसे यकीन नहीं होता। फिर जेसिका उसे याद दिलाती है कि उन दोनों की फ्रेंडशिप कैसे हुई थी। फिर फाइनली अप्रैल को यकीन हो जाता है कि वो ही जेसिका है। फिर जब वो लोग अपने रूम में आते हैं तब अप्रैल की हवस जागने लगती है। वो जेसिका से उसकी बल्ली देखने के लिए कहती है। फिर जेसिका अपना अंडरवियर निकाल कर उसे अपनी बल्ली दिखा देती है। फिर वो इस सब के बारे में अपने सारे फ्रेंड्स को बता देती है। फिर उसके फ्रेंड्स मिलकर उसके शरीर की अदला बदली के बारे में पता लगाते हैं, क्योंकि जेसिका को एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था इसलिए उसे अपनी बॉडी जल्दी से जल्दी चाहिए थी। फिर उन्हें लगता है ये काम उन लोगों का हो सकता है जिसके साथ जेसिका ने गलत बिहेवियर किया है, जैसे ईडन, हिल्डनबर्ग और बियांका। फिर हिल्डनबर्ग और ईडन से जेसिका माफ़ी मांगती है और वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर जेसिका को एक क्लब में जाना पड़ता है और जब वो टॉयलेट में जाती है तब उसे समझ नहीं आता वो इस बल्ली के साथ टॉयलेट कैसे करे। फिर यहाँ का बारटेंडर जो कि एक गे है उसे लगता है जेसिका भी गे है क्योंकि वो लड़कियों की तरह हरकतें कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं अप्रैल जेसिका को उसी के घर में दो नौकरियों के साथ काम पर रखती है। अपने घर पर वो मालिका काम करती है। उसके पेरेंट्स अपनी मैरिड लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में उसे बताते हैं और वो उनकी सेक्स लाइफ को मेंटेन करने में उनकी हेल्प करती है। इसके बाद हम देखते हैं जब अप्रैल का बॉयफ्रेंड अप्रैल के पास आता है तब उसने अपने गले में एक स्कार्फ डाला होता है। जब वो उसे इसका रीज़न पूछती है तब वो कहता है यहाँ पर काफ़ी ठंड है। जब वो उसके गले से स्कार्फ को हटाती है तब वो देखती है उसके गले पर लव वाइट के निशान है जो उसकी वजह से नहीं आए थे, जिसका मतलब होता है वो उस पर चीट कर रहा था और किसी दूसरी लड़की के साथ मज़े करके आया था। फिर जेसिका अपने स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई करती है और उसे जॉब मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जेसिका बिली के पास आती है। बिली फ्रेश हो रहा होता है और वो उससे कहती है हमें बात करनी चाहिए। बिली को समझ नहीं आता कि वो इस आदमी से क्यों बात करे। इसके बाद हम देखते हैं ईडन को इंटरनेट पर इयररिंग की एक फ़ोटो मिलती है। फिर जब वो सारे फ्रेंड्स अफ्रीकी स्टोर में जाते हैं तब स्टोर की ओनर उन्हें बताती है कि ये इयररिंग कैसे काम करती है और कैसे एक प्रिंसेस ने अपनी बॉडी गुलाम के साथ बदल ली थी। और वो उन लड़कियों से कहती है उन्हें जल्दी ही फुल मून से पहले दूसरी इयररिंग ढूंढनी होगी वरना जेसिका को हमेशा के लिए इसी बॉडी में रहना पड़ेगा। इसके बाद हम जेसिका को लड़कों के लॉकर रूम की क्लीनिंग करते हुए देखते हैं। वो इसी बहाने अपने बॉयफ्रेंड बिली की जासूसी कर रही थी। तब वहाँ उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे कितना प्यार करता है
और वहीं पर उसे पता चलता है अप्रैल के बॉयफ्रेंड जैक की एक और गर्लफ्रेंड मोनिक है। अप्रैल को जब ये सारी बात पता चलती है तब उसे जेसिका से प्यार हो जाता है। वो उसे साथ में प्रॉम पर चलने के लिए कहती है। फिर जेसिका चीयरलीडर के कंपटीशन में एक स्टैचू की हेड पहनकर आती है और अपने बॉयफ्रेंड विली को इशारे करती है। विली को फिर लगता है ये शायद उसकी गर्लफ्रेंड जेसिका है। इसके बाद जब उसका सर निकल कर गिर जाता है और उसके अंदर एक आदमी को देखकर विली की उल्टी हो जाती है। फिर जेसिका इस कंपटीशन को जीत जाती है क्योंकि स्कूल का स्टाफ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर बिली अपसेट होकर बियांका के साथ निकल जाता है। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लॉज जेसिका की बॉडी का यूज़ पैसे कमाने के लिए कर रहा है। फिर बिली को रास्ते में जेसिका दिखती है जो एक्चुअल में क्लॉय होता है। वो उसके पास जाता है और उसे कहता है वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। फिर क्लॉय उससे पैसे और उसकी कार की चाबी मांगता है। बिली भी उसे पैसे और अपनी कार की चाबी दे देता है। उसे लगता है ये जेसिका है। फिर क्लॉय उसकी कार लेकर भाग जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं हिंडनबर्ग को टीवी देखते हुए एक न्यूज़ दिखाई देती है जिसमें क्लॉय एक आदमी को लूटकर भागता हुआ दिखाया जाता है। वो उसी जगह जाती है जहां पर उसे एक बिजनेस कार्ड मिलता है। उस कार्ड के मुताबिक क्लॉय पोल डांसर के रूप में काम करता है। फिर वो जाकर जेसिका को बताती है कि उसकी बॉडी मिल गई है। जेसिका के पेरेंट्स भी उनकी बातों को सुन लेते हैं। फिर लड़कियां उस बार में आकर जेसिका की बॉडी यानी क्लॉय को ढूंढने लगते हैं। क्लॉय वहाँ पर पोल डांस कर रहा होता है और वो अपनी बॉडी को देखकर भागने लगता है, लेकिन सारी लड़कियाँ उसे पकड़ लेती हैं। क्लॉय उनसे कहता है आज रात मुझे पैसे और कमाने दो जिससे मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी लौटा दूंगा। जेसिका उसकी गर्दन पकड़कर कहती है मेरी बॉडी मुझे वापस कर दो। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो क्लॉय को जेसिका से छुड़ा देता है। फिर वो पोल पर चढ़कर डांस करने लगता है और वहाँ पर जैक भी आ जाता है और वो क्लॉय को उसके लिए डांस करने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर विली को देखकर जेसिका के पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर विली ऐसा शो करता है कि वो प्रॉम समझकर इस क्लब में आ गया था। फिर जेसिका क्लॉय की इयररिंग्स चुरा लेती है और फिर उसे दूसरी इयररिंग के साथ पहन लेती है। फिर उनकी बॉडी एक दूसरे के पास वापस आ जाती है। फिर पोल पर एक आदमी को डांस करता देख सिक्योरिटी क्लॉय से कहता है मंडे नाइट इज़ गे नाइट। इसके बाद पुलिस क्लॉय को अरेस्ट कर लेती है और जेसिका विली के पास आ जाती है। विली को अभी भी यही लगता है कि उसने उसकी कार चुराई है और वो एक स्ट्रिप डांसर का जॉब करती है। विली कहता है वो इस सदमे से निकलने की कोशिश करेगा। जेसिका फिर उसका हाथ अपने दिल पर रखती है और उसे कहती है तुम एक ही टाइम में मेरी धड़कन को स्लो और फास्ट करते हो। फिर जेसिका विली को किस करती है और दूसरी तरफ अप्रैल क्लॉय को देखकर स्माइल दे रही है और इन दोनों को देखने से हमें पता चलता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फिर क्लॉय पुलिस कार से उतरकर भागने लगता है और एक कार से लिफ्ट मांगता है। वो कार बारटेंडर की होती है जो उसे गे समझता था और वो उसे किडनैप कर लेता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।